परिचय। तनु अपने बगीचे के पौधों में रोज पानी देती है। वह जानती है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो पौधे सूख जाएंगे और अंततः मृत हो जाएंगे, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि पानी पौधों के मूलों यानी जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। इस पाठ में हम पौधों में जल, पोषक पदार्थों और आहार के परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जड़ों का महत्व समझाना, जाइलम की भूमिका का महत्व समझाना, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना, फ्लोएम यानी पोषवाह की भूमिका को परिभाषित करना, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना, जड़ें। विभा अपने बगीचे से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है। उसने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने देखा कि वो धरती से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। उसने अपने माली से मदद के लिए कहा। उसने थोड़ा प्रयास करके उन्हें निकाल दिया। उसने खरपतवार की जड़ों के निचले सिरों की तरफ लगे रेशों की तरफ इशारा किया जिन्होंने मृदा को जकड़ रखा था। इन रेशों को मूल या जड़ कहते हैं। सभी पौधों में मूल होते हैं। मूल पौधे के शरीर के दूसरे भागों को जल और पोषक पदार्थ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूलों में रोम होते हैं। मूल मृदा से जल और पोषक पदार्थ इन्हीं रोमों की सहायता से अवशोषित करती हैं। किसी मूल में जितने अधिक मूल रोम होंगे वह उतना ही अधिक अवशोषण करेगा। पादप वाहिकाएं, जाइलम। नलीनुमा वाहिकाओं का एक जाल पादप के पूरे शरीर में फैला होता है। वाहिकाओं के इस तंत्र को जाइलम कहते हैं। ये वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एक चैनल की तरह कार्य करते हैं जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल और मृदा से अवशोषित घुले हुए पोषक पदार्थों को पादप के पूरे शरीर में ले जाता है। फ्लोएम। रिया सुबह का अल्पाहार बहुत जल्दी में खा रही है। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वह भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाए जिससे पोषक तत्व शरीर द्वारा अवशोषित हो जाएं। मनुष्यों और जंतुओं में एक परिसंचरण तंत्र होता है जो भोजन द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। पादपों में इस कार्य के लिए फ्लोएम होता है। फ्लोएम तने की बाहरी परत पर स्थित एक ऊतक होता है। परिवहन में पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार की गई शर्करा पादप के अन्य भागों तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि यह शर्करा का परिवहन करता है इसलिए फ्लोएम में एक चिपचिपा द्रव होता है। इस पदार्थ को सैप कहते हैं। इसमें घुली हुई शर्करा होती है। प्रकाश संश्लेषण। जैसे मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है उसी तरह पादपों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण शब्द दो शब्दों प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण यानी तैयार करना से बना है। अतः प्रकाश संश्लेषण का अर्थ हुआ प्रकाश की सहायता से तैयार करना। इस प्रक्रम में पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन संश्लेषित करने के लिए करती हैं। प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है पौधों को गर्मियों में शीतल रखना। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संभव होता है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रम है जिसमें जल पौधों की पत्तियों और तनों से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। पत्तियों के ऊपर बने छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं वाष्पोत्सर्जन को संभव बनाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मूल यानी जड़ें मृदा से पोषक पदार्थ और जल मूल रोमों की सहायता से अवशोषित करती हैं। जितने अधिक मूल रोम होंगे उतना अधिक अवशोषण होगा। जाइलम वाहिकाओं का तंत्र है जो जल और घुले हुए पोषक पदार्थों को पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्रयोग
कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन संश्लेषित करने के लिए करती हैं। प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। फ्लोएम एक चिपचिपा द्रव होता है जिसे सैप कहते हैं और इसमें घुली हुई शर्करा होती है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रम है जिसमें जल पौधों की पत्तियों और तनों से वाष्पीकृत होकर